नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों, कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद के इस प्रथम वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ी बनाना, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों को हमें किस प्रकार हल करना है। इसी अध्याय के दूसरे वीडियो में हम 2 अंक एवं 3 अंक वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से पहले हम बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं और यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण नोट्स को एक बार पुनः हम अध्ययन कर लेते हैं। हमने इस अध्याय में पढ़ा है कि घात 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद एवं त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं, अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद की चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद एवं जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। हमने पढ़ा है कि एक द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के रूप का होता है जिसमें a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होती हैं, a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तथा x वर्ग का गुणांक a, x का गुणांक b तथा c अचर पद होता है। हमने यह पढ़ा है कि एक बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां उस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यदि हम दिए गए बहुपद का ग्राफ ग्राफ पेपर पर खींचें और वह ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वह उन बिंदुओं के x निर्देशांक उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। हमने यह भी पढ़ा है कि एक द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं तथा त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, अर्थात एक द्विघाती बहुपद के 0, 1 या 2 शून्यक हो सकते हैं तथा त्रिघाती बहुपद के 0, 1, 2 या 3 शून्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि द्विघाती बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इन दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है, b अर्थात x का गुणांक तथा a अर्थात x वर्ग का गुणांक। इसी प्रकार दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a होता है अर्थात अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। बच्चों, हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद px बराबर ax धन b का शून्यक ऋण b बटे a होता है। रैखिक बहुपद px बराबर ax धन b में बहुपद के गुणांक a x का गुणांक होता है तथा b अचर पद कहलाता है। एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यदि px बराबर 2x धन 3 एक रैखिक बहुपद है तब किसी वास्तविक संख्या k के लिए pk बराबर 2k धन 3 अर्थात k बराबर हमें ऋण 3 बटे 2 प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यक x बराबर ऋण b बटे a अर्थात ऋण अचर पद बटे x का गुणांक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक का बहुपद के गुणांकों से संबंध होता है।
आइए बच्चों, अब द्विघात बहुपद की जानकारी देखते हैं। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। हमने पढ़ा था कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी में बहुपद के गुणांक इस प्रकार होते हैं, ए एक्स वर्ग का गुणांक, बी एक्स का गुणांक तथा सी अचर पद कहलाता है। अर्थात द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए अर्थात ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक तथा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए अर्थात अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक होता है। रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आइए बच्चों रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद y बराबर ए एक्स धन बी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। उदाहरण, यदि y बराबर 2x धन 3 एक रैखिक बहुपद है तो इस बहुपद का ग्राफ बिंदुओं ऋण 2 ऋण 1 तथा 2 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। आइए बच्चों इसको ग्राफ पेपर पर देखते हैं। y बराबर 2x धन 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु ऋण 3 बटे 2 शून्य पर प्रतिच्छेद करता है जहां पर y का मान शून्य है। अतः हम कहते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक ऋण 3 बटे 2 है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आइए बच्चों एक बार पुनः समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हमने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद अर्थात ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी जिसमें ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां द्विघात बहुपद का ग्राफ जो कि परवलय के आकार का होता है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का ग्राफ हम x के कुछ मानों के संगत y बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के कुछ मानों को लेते हैं जैसा सारणी में हमें दिया है। सारणी में देखिए हमने x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम यदि x और y के इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करें तो हमें इस द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का ग्राफ जो कि परवलय के आकार का होता है प्राप्त हो जाता है। चित्र में देखिए दिया गया ग्राफ द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का ग्राफ है जो कि परवलय के आकार का है। यह ग्राफ x अक्ष को ऋण 1 शून्य तथा 4 शून्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद y बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बहुपद को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के दो शून्यक ऋण 1 तथा 4 होंगे। बच्चों हमने यह पढ़ा है कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्य शून्यक भी हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम शून्यक दो हो सकते हैं। आइए इसकी विभिन्न स्थितियों को ग्राफ पेपर पर समझते हैं। किसी द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी जहां a का मान शून्य नहीं है के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। किसी भी द्विघात बहुपद के दो भिन्न भिन्न शून्यक हो सकते हैं। ग्राफ पेपर पर देखिए इस ग्राफ में द्विघात बहुपद के दो भिन्न भिन्न शून्यक हमें a तथा a' दिखाई दे रहे हैं।
किसी भी द्विघात बहुपद के दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक भी हो सकता है। आइए इसे भी ग्राफ पेपर पर देखते हैं। चित्र में इस द्विघातीय बहुपद का आलेख जो कि एक परवलय आकृति का है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इस स्थिति में इस द्विघात बहुपद के एक ही शून्यक होगा। किसी द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं। आइए इस स्थिति को ग्राफ पेपर पर देखें। चित्र में जो परवलय दिखाई दे रहा है वह इस द्विघातीय बहुपद का आलेख है जो कि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अर्थात कोई भी शून्यक नहीं है। हम कहते हैं कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, या एक शून्यक भी हो सकता है, या कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है। अब त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। त्रिघात बहुपद अर्थात a x की घात 3 धन b x की घात 2 धन c x धन d के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। चित्र में देखिए त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 1, 2 तथा 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हम यह कह सकते हैं कि घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। बच्चों अभी हमने अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। अब हम बहुपद के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहते हैं जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना होता है। प्रश्न एक हमें दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के ऋण 1 एक्स वर्ग धन के एक्स धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है तब k का मान क्या होगा। हमें एक द्विघातीय बहुपद दिया है जिसमें x वर्ग का गुणांक अर्थात a का मान k ऋण 1 है, x का गुणांक अर्थात b बराबर k है तथा अचर पद c बराबर 1 हमें दिया है तथा इस द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक ऋण 3 हमें दिया है। हमें अज्ञात अचर k का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि दूसरा शून्यक बीटा है। पहले इसके विकल्प देखें, हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4/3, -4/3, 2/3 और -2/3। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम कर लेते हैं। सही उत्तर है ए 4/3। और अब आइए बच्चों देखते हैं कि यह उत्तर हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। यदि हम दूसरा शून्यक बीटा मानते हैं तो दोनों शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए अर्थात 1/k ऋण 1 हम लिख सकते हैं। इसे हल करने पर हमें बीटा का मान प्राप्त होता है -1/3k ऋण 3। इसी प्रकार दोनों शून्यकों का योगफल हमें -b/a अर्थात -k/k ऋण 1 प्राप्त होता है। अब यहां से बीटा का मान हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है -3 धन -1/3k ऋण 3। यह हमने बीटा का मान यहां से प्रतिस्थापित किया है तथा बराबर में हमें -k/k ऋण 1 दिया गया है। इसे हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है। आगे हल करने पर हमें -9k/8 बराबर -3k प्राप्त होता है, जिसे हल करने पर हमें -6k/ 8 प्राप्त हो जाता है। अब हमें k बराबर -8/-6, इसे कैंसिल करने पर ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, 2 3 6 अर्थात हमें 4/3 सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर 4 दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होता है। प्रश्न का प्रश्न 2 देखिए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं होगा। हमें एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं। 4 विकल्प हमें दिए हैं, x वर्ग ऋण x धन 12, x वर्ग धन x धन 12,
एक्स वर्ग ऋण एक्स ऋण 12, 2x वर्ग धन 2x ऋण 24। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर अर्थात ऐसा द्विघाती बहुपद जिसके शून्यक ऋण 3 एवं 4 हैं, सही उत्तर है सी अर्थात एक्स वर्ग ऋण एक्स ऋण 12। आइए बच्चों अब समझते हैं कि यह उत्तर कैसे प्राप्त होता है। हम जानते हैं शून्यक यदि ऋण 3 एवं 4 है तो गुणनखंड x धन 3 तथा x ऋण 4 होंगे। इससे हमें ऋण 3 तथा इससे हमें 4 प्राप्त होगा। इन दोनों गुणनखंडों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x वर्ग। पहले हमने x का गुणा x में किया, x का गुणा ऋण 4 में करने पर ऋण 4x, अब धन 3 का गुणा x में करने पर धन 3x ऋण 12। ऋण 4x धन 3x बराबर ऋण x होगा, अतः हमें प्राप्त होता है x वर्ग ऋण x ऋण 12 जो कि हमारा उत्तर c है। अतः c x वर्ग ऋण x ऋण 12 वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक ऋण 3 एवं 4 हैं। प्रश्न 3 देखिए, ऋण 2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। विकल्प हमें दिए हैं 1, 2, 3 या 3 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी अर्थात 3 से अधिक। आइए बच्चों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यदि हम एक शून्यक अल्फा बराबर ऋण 2 तथा बीटा बराबर 5 ले लें तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां के एक अचर है होता है। इसमें अल्फा का मान ऋण 2 तथा बीटा का मान ऋण 5 रखने पर हमें प्राप्त होता है के इंटू एक्स धन 2 इंटू एक्स ऋण 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है के इंटू एक्स वर्ग ऋण 3x धन 10, जहां के एक अचर है। अब हम इस समीकरण इस बहुपद में के विभिन्न मान ले सकते हैं और हमें इस प्रकार ऐसे अनेकों बहुपद मिल जाएंगे जिनके शून्यक ऋण 2 एवं 5 हैं। अतः हमारा सही उत्तर होगा 3 से अधिक। एक अन्य बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, एक त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी का एक शून्यक शून्य है। दो अन्य शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। आइए इसके विकल्प देखते हैं। ऋण सी बटे ए शून्य या ऋण बी बटे ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अर्थात सी बटे ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा हो तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। अब यदि एक शून्यक शून्य है, यदि हम अल्फा का मान शून्य लेते हैं तो अल्फा का मान शून्य इसमें रखने पर हमें यह पद तथा यह पद शून्य मिल जाएगा तथा हमें प्राप्त होगा बीटा इंटू गामा बराबर सी बटे ए। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद का एक शून्य यदि शून्य है तो अन्य दो शून्यकों बीटा तथा गामा का गुणनफल सी बटे ए होगा। प्रश्न 5 देखिए, एक द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन 99x धन 127 के शून्य किस प्रकार के होंगे। चार विकल्प देखिए, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक या दोनों समान होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अर्थात दोनों ऋणात्मक होंगे। आइए बच्चों इसकी व्याख्या देख लें। एक द्विघात बहुपद में ए बी सी अर्थात एक्स वर्ग का गुणांक बी अर्थात एक्स का गुणांक तथा सी अचर पद का मान धनात्मक होने पर दोनों शून्यक ऋणात्मक होते हैं, अतः हमारा उत्तर होगा दोनों ऋणात्मक। प्रश्न 6 देखिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान क्या होगा। विकल्प देखिए, इन चार विकल्पों में से सही उत्तर हम जानते हैं ए अर्थात सी बटे ए होगा। व्याख्या, द्विघात बहुपद में
हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। प्रश्न सात देखिए, बहुपद x वर्ग ऋण तीन के शून्यक होंगे। विकल्प है प्लस माइनस वर्गमूल तीन, धन ऋण तीन, तीन या नौ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अर्थात धन ऋण वर्गमूल तीन। आइए बच्चों देखते हैं, हम जानते हैं x वर्ग ऋण तीन बराबर x वर्ग ऋण ऋण रूट तीन का वर्ग। हम लिख सकते हैं इसके दो गुणनखंड होंगे x ऋण वर्गमूल तीन, x धन वर्गमूल तीन। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर धन ऋण वर्गमूल तीन, अर्थात यह सही उत्तर होगा। प्रश्न आठ देखिए, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात तीन धन बी एक्स की घात दो धन सी एक्स धन डी के शून्यक हो तो अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा अर्थात तीनों शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होगा। विकल्प हमें दिए हैं सी बटे ए बटे सी ऋण डी बटे ए ऋण ए बटे सी। इसका सही उत्तर होगा सी ऋण डी बटे ए। त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल ऋण डी बटे ए होता है। बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद एक अन्य प्रश्न आता है सही जोड़ी बनाइए। हमें स्तंभ आ में पांच प्रश्न दिए हैं जिनके सही उत्तर स्तंभ बा में हमें ढूंढने हैं। स्तंभ आ में हमें दिया है दो बहुपदों का गुणनफल, दो परिमेय व्यंजकों का योग, एक्स वर्ग धन दो वर्गमूल एक्स धन एक, चौथा एक्स धन दो बटे वर्गमूल एक्स धन तीन तथा ए बी धन बी सी धन सी ए। इन प्रश्नों के सही जवाब हमें स्तंभ ब में ढूंढना है। जैसा कि हम बच्चे जानते हैं दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, अतः प्रश्न एक का सही उत्तर होगा सी। दो परिमेय व्यंजकों का योग हम जानते हैं एक परिमेय व्यंजक होता है, अतः हम लिखते हैं दो परिमेय व्यंजकों का योग डी परिमेय व्यंजक होता है। एक्स वर्ग धन दो वर्गमूल एक्स धन एक, चूंकि इसमें चर एक्स की घात एक बटे दो अर्थात परिमेय संख्या है, अतः यह बहुपद नहीं है, अतः प्रश्न तीन का सही जोड़ी होगी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार x धन दो बटे वर्गमूल x धन तीन परिमेय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि हर में चर x की घात एक बटे दो अर्थात परिमेय संख्या है, अतः चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा a परिमेय व्यंजक नहीं है। ए बी धन बी सी धन सी ए, यह ए बी सी के चक्रीय क्रम का एक व्यंजक है, अतः पांचवे का सही उत्तर होगा b। इनकी सही जोड़ी देख लेते हैं, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, दो परिमेय व्यंजकों का योग परिमेय व्यंजक होता है, x वर्ग धन दो वर्गमूल x धन एक बहुपद नहीं है, x धन दो बटे वर्गमूल x धन तीन परिमेय व्यंजक नहीं है तथा ए बी धन बी सी धन सी ए चक्रीय क्रम व्यंजक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न एक देखिए, x ऋण एक इंटू x ऋण दो के शून्यक होंगे। हम जानते हैं इसके शून्यक x बराबर एक तथा x बराबर दो होंगे, अतः हम सही उत्तर लिखेंगे एक एवं दो। दूसरा प्रश्न देखिए, दो बहुपदों का योगफल खाली स्थान होता है। हम जानते हैं दो बहुपदों का योग एक अन्य बहुपद होता है, यह हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न तीन देखिए, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी एक खाली स्थान बहुपद का उदाहरण है। हम जानते हैं कि यह एक द्विघातीय बहुपद है। प्रश्न चार देखिए, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है खाली स्थान कहलाते हैं। बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान यदि शून्य होता है तो वे मान शून्यक
कहलाते हैं? सही उत्तर होगा शून्यक। रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। हम जानते हैं रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बच्चों अगला प्रश्न होता है सत्य या असत्य कथन बताइए। प्रश्न एक पढ़कर हमें यह बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। आइए प्रश्न एक पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप का होता है जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान शून्य के बराबर नहीं है। बच्चों हम यह जानते हैं कि यह द्विघात बहुपद है तथा इसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन पूर्णतः सत्य है। इसी प्रकार प्रश्न दो देखिए। प्रश्न दो में हमें दिया है वर्गमूल x धन दो एक बहुपद है। हम जानते हैं बहुपद में चर x की घात ऋणेत्तर पूर्णांक होना चाहिए जबकि इस बहुपद में x की घात एक बटे दो अर्थात एक परिमेय संख्या है। अतः दिया गया विजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अतः यह दिया गया कथन असत्य है। प्रश्न तीन देखते हैं। बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बच्चों हमने पढ़ा है कि दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अतः यह कथन सत्य है। हम उत्तर लिखेंगे कथन पूर्णतः सत्य है। प्रश्न चार देखिए। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। बच्चों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात दो होती है और द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है यह कहना गलत होगा। अतः यह दिया गया कथन असत्य है। अंतिम प्रश्न देखिए। एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pk बराबर शून्य। यदि x की जगह k रखने पर हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या उस बहुपद का शून्य होती है। अतः कथन सत्य है। बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न एक देखिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? हम जानते हैं रैखिक बहुपद ax धन b प्रकार का होता है जिसमें चर x की अधिकतम घात एक होती है। अतः रैखिक बहुपद की घात एक होती है। यह हमारा उत्तर होगा एक। प्रश्न दो देखिए। यदि ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ऋण b बटे a अर्थात ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऋण b बटे a। प्रश्न तीन देखिए। यदि ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताना है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c बटे a अर्थात अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक होता है। अतः हमारा उत्तर होगा c बटे a। अगला प्रश्न देखिए। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? बच्चों हम जानते हैं त्रिघात बहुपद की घात तीन होती है और किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। अतः हमारा सही उत्तर होगा तीन। बच्चों आज इस अध्याय दो बहुपद के प्रथम वीडियो में हमने बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को
का पुनः अध्ययन किया तथा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक प्रश्न एक अंक वाले प्रश्नों का हल देखा। इसी अध्याय के द्वितीय वीडियो में हम अंक दो एवं अंक तीन वाले अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।